seen a lot of change, been through a lot. दोस्तों, हमारा सफर मनाली का शुरू हो चुका है और हम मंडी अभी पहुंच चुके हैं। हम शिमला से निकले थे करीब दोपहर में 2 बजे और मनाली हम पहुंचे हैं करीब रात के 10:30 बजे। तो मनाली जाने में शिमला से काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और बीच में मंडी भी पड़ता है और बहुत सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा रात में मनाली का, तो उसका हम आपको वीडियो ज़रूर दिखाएंगे आगे। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। हम आगे के व्लॉग जल्दी जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करेंगे। Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. ये देखिए दोस्तों, तो हम मनाली से करीब 5 किलोमीटर पहले हैं। तो मनाली जाने में क्योंकि लेट बहुत हो गया था, रात के 10 बज रहे थे, तो हमने सोचा पहले डिनर कर लिया जाए। तो ड्राइवर ने एक तो आप बात का ये ध्यान रखिए, ड्राइवर जहाँ जहाँ गाड़ी रोकता है वहाँ भोजन ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि उसका उस रेस्टोरेंट से या ढाबे से कमीशन सेट होता है, तो वो उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन उनका खाने का टेस्ट बिल्कुल क्वालिटी अच्छी मेंटेन नहीं करते वो लोग। तो हमने तो कहीं और खाया खाना, आपको दिखाते हैं। मनाली पहुंचने वाले हैं, लेकिन रात में 10:30 बज चुकी हैं, तो हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। यहाँ पर एक मिक्स सब्जी ली है, आलू मटर की और एक दाल फ्राई और चपाती लेकर आ रहे हैं। कैसा टेस्ट है खाना। ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर इस समय बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, 1-2 डिग्री टेम्परेचर है। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह आपका स्वागत है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम लोग रात में काफ़ी लेट मनाली में यहाँ पहुँचे, 10:30-11 बज चुके थे। तो हम एकदम मेन मार्केट में ना जाके मॉल रोड पे हमने थोड़ा सा पहले ही रूम ले लिया, तो ठंड में आ गए प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रूम है, ये आप देख सकते हैं, तो इधर दिखाती हूँ मैं, ये रूम काफ़ी बड़ा है और बाहर भी काफ़ी अच्छा रूम है इसमें। सारी स्नो पड़ी हुई है ऊपर पर, काफ़ी स्नो इसमें हुआ है, रात में स्नोफॉल हुआ है। ये देख सकते हैं आप, पूरी पीछे व्यास रिवर जा रही है काफ़ी ऊपर, ये देख सकते हैं पर काफ़ी स्नो है, एकदम नीचे नहीं हुआ है लेकिन ऊपर हाई उस पर स्नोफॉल है। और सुबह से ही काफ़ी रश है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये हम यहाँ होटल में ठहरे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है, पीछे का काफ़ी जगह है और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, लगभग -2 और -3 टेम्परेचर है इस समय, और हम कैसे बाहर खड़े हो पा रहे हैं पता नहीं चल रहा। समय 7:15 हो रहे हैं।